हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 5 यूनिट 6 द टालकेटिव बार्बर, ये स्टोरी है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं मेरे चैनल पे, अगर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके मेरे वीडियो देख लीजिएगा। वो पार्ट 1 में कम्प्लीट हो चुका है और ये पार्ट 2 है। कम्प्लीट क्वेश्चन आंसर इसमें मिलेगा और एक्सप्लेन नेशन हिंदी में। इंग्लिश मैरी गोल्ड 5th से एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ इसके क्वेश्चन आंसर। ये रहा लेट अस रीड, तो चलो पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन है। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव, जो बार्बर था वो कितने उसके भाई थे। द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स, उसके 6 भाई थे। वाई वाज द सुल्तान इन द हुरी, सुल्तान को जल्दी क्यों थी। सुल्तान वाज इन अ हुरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स टू द फेस्ट एट नो। तो ये देखिए, जो सुल्तान था उसको जल्दी इसलिए था क्योंकि कुछ फ्रेंडों को दावत दिया था, वो बुलाया था, इसलिए उसको जल्दी था। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है, वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान, तो नाई को, जो बार्बर था, बार्बर को सुल्तान की जो सेविंग कर रहा था उसको बनाने में कितना समय क्यों लगा। द बार्बर टूक इट सो लॉन्ग, जो हैव सु सुल्तान बिकाउज ही कंटिन्यू टॉकिंग एंड वास्टिंग टाइम। तो जो नाई था, नाई को सुल्तान की वो सेविंग बनाने के लिए इतना समय इसलिए कर लगा था क्योंकि वो लगातार बोलता रहा और समय बर्बाद कर दिया, इसलिए ज़्यादा समय लगा। ये देखिए 4th क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स, ये इसमें गलत है क्या सही है, इसको यहाँ पे आपको लिखना है। द बार्बर वाज सेविंग द सुल्तान बट, तो नाई सुल्तान की दाढ़ी बना रहा था, यस, तो नाई सुल्तान की दाढ़ी बना रहा था, तो यस, ये गलत, फाल्स है। देखो फाल्स, ये ट्रिक, वो नाई तो नाई फाल्स होगा आपका। नेक्स्ट है, द सुल्तान गेव हिज 3 गोल्ड क्वाइन, तो सुल्तान ने उसे 3 सोने के सिक्के दिए, ये ट्रू। द बार्बर कन्फ्यूज टू लर्न हैव सुल्तान पैलेस, ट्रू। तो जो नाई ने सुल्तान, जो नाई था उसके नाई ने जो सुल्तान के महल छोड़ने का इनकार कर दिया था, सत्य, ट्रू। 4th है, देयर वेयर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान ईच फैमिली, फाल्स। तो ये है आपका फाल्स, नाई ने ढेर सारा खाना क्यों चाहिए था, क्योंकि उसके फ्रेंड खाना चाहिए था, फाल्स, ये गलत है, उसको खाना नहीं चाहिए था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ सॉरी, इसका आपका था सुल्तान के परिवार में कुल कितने 7 भाई थे, ये फाल्स, क्योंकि वो 6 थे, तो ये सही है आपका पहला। इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है, द बार्बर वाज सेविंग द सुल्तान बर्ड, नाई सुल्तान की दाढ़ी बना रहा था, तो बना रहा था, ये तो ट्रू होना चाहिए, ठीक है, ये ट्रू होना चाहिए आपका। और सुल्तान गेव हिज 3 गोल्ड, ये फाल्स होना चाहिए आपका, इस तरह होगा ये। और नेक्स्ट देखते हैं, ये है एक, देखिए ये क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाई डिड द बार्बर वांट टू अ लॉट ऑफ फूड, जो नाई को ढेर सारा खाना क्यों चाहिए था। द बार्बर हैड वांटेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज ही हैड इनवाइटेड 4 और 5 फ्रेंड एट लंच एट हिज हाउस। तो जो बार्बर था वो भी 4 या 5 फ्रेंड्स को इनवाइट किया था लंच के लिए घर पर अपने, तो इसलिए उसको खाना चाहिए था।
और देखिए लेटेस्ट लिसन, चलो सुनते हैं, एक पोयम है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। अ लायन इमर्ड फ्रॉम हिज लेयर फॉर ए शॉर्ट समर कट टू हिज हेयर, बट द बार्बर वीक वेप्ट वाइल हिज कस्टमर से स्लेप्ट एज दे वेटेड देयर टर्न इन चेयर। तो इसको लिखे हैं जोसेफ जी फ्रांसिस, एक छोटी सी पोयम है। और नेक्स्ट है देखिए लेटेस्ट टॉक, तो चले बात करते हैं इसमें क्या दिया है। डिड द सुल्तान इंजॉय द बार्बर स्टॉक व्हाई डू यू से सो, जो क्या सुल्तान को नाई की बात अच्छी लगी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। सो सुल्तान डिड नॉट इंजॉय बार्बर टॉक, सुल्तान को नाई की बात अच्छी नहीं लगी। ही वॉज लूजिंग हिज पेशेंट पेटियंस, जो वह अपना पेटेंट खो रहा था। ही वॉन्टेड टू गेट राइड ऑफ हिम, वह उससे पाना चाहता था, ठीक है, उसे छुटकारा पाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फाइनिस्ट, आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे मज़ेदार लगा, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा लगा। द स्टोरी वॉज फनी, स्टोरी मज़ेदार था, बट लेकिन आई फाइंड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी फनीस्ट, वेयर द बार्बर द फूड द सुल्तान हैड ऑर्डर फॉर द फेस्ट। कहानी मज़ेदार थी लेकिन किसी की आखिरी भाग सबसे मज़ेदार लगा, सबसे जहाँ सुल्तान ने दावत के लिए बार्बर को बुलाया था, ठीक है, मंगवाया था, हैंडी खाना मंगवाया था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव द बार्बर, वो जो बार्बर था, सुल्तान नाई की कौन सी चीज़ें, सुल्तान ने नाई को कौन सी चीज़ें दी। तो आंसर है सुल्तान गेव 3 पीस ऑफ गोल्ड, सुल्तान ने उसे 3 पीस गोल्ड दिया, आर द फूड एंड फ्रूट फॉर डिनर, उसे खाना और फल दिया। फोर्थ है डू यू थिंक द सुल्तान वाज रियली वेरी जेनेरियस, क्या आपको लगता है कि सुल्तान सचमुच बहुत उदार था। तो आंसर होगा नो, आई डू नॉट थिंक द सुल्तान वाज जेनेरियस, ही गेव ऑल द फूड ऑफ द बार्बर बिकॉज हीज हेड वाज हाफ सेव्ड, दिस वाज बिकॉज ही वाज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर। नहीं, मुझे नहीं लगता, आप ऐसे लिख सकते, मुझे नहीं लगता सुल्तान उदार था, उसने सारा खाना नाई को दे दिया था, उसने उसका सर जो है आधा सेव किया था, इसलिए था क्योंकि वह नाई बहुत दया पर निर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड बिल्डिंग, इसको देखते हैं। स्टडी द वर्ड इन द फर्स्ट कॉलम एंड सी द चेंज इन देम द सेकेंड कॉलम, द वर्ड इज कॉलम सेकेंड आर अपोजिट ऑफ वर्ड इन कॉलम वन, जो कॉलम वन में कुछ दिए हैं उसके आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। यहाँ पे आपको इसमें यूनी इम और डिस यूज करके उसका अपोजिट वर्ड यूज करना, आपको ये पता करना है कौन साइज में लगेगा, किसमें ऑन या इम या डिस, ये आपको लगा के आपको अपोजिट वर्ड बनाना है। तो देखिए बिलीव मिस होता है, बिलीव यानी विश्वास, तो इसका होगा डिस बिलीव, इसका डिस यूज होगा। सेव्ड का होगा अनसेव्ड, सेव्ड में मतलब सेविंग यानी मुंडा हुआ जो होते हैं। परफेक्ट यानी सही, उत्तम, अच्छा, और इम्परफेक्ट अपूर्ण, और सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करना,
और डिससेटिस्फाई असंतुष्ट, नाराज नाराज करना। पॉलिट विनम्र और इम्पॉलिट असभ्य। रेस्पेक्ट सम्मान, डिसरेस्पेक्ट अनादर। प्योर शुद्ध, इम्प्योर अशुद्ध। इम्पेक्टेड अपेक्षित और ये अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित। और ओबीडियंट आज्ञाकारी और डिसओबीडियंट हठी। इस तरह ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये पेज नेक्स्ट चैप्टर आते देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग अन इम आर डिस टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे भी कुछ यही वर्ड्स यूज करके आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। इसके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें ये यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो इस तरह देखिए कंप्लीट है। द टीचर गोट अपसेट विथ रानी बिकॉज हर वर्क। तो जो टीचर होती है, रानी को नाराज हो गई क्योंकि उसका क्या था, वो उसका वर्क गंदा था, इसलिए वो नाराज हो गई थी। अनटाइडी, इसमें ये वर्ड दिया गया टाइडी, टाइडी में आपका अन यूज होगा। और नेक्स्ट है द डॉग वाज डैश टू द क्लाइम द ट्री टू द क्लास टू ईट। तो कुत्ता बिल्ली का पीछा करने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए असमर्थ है, अनेबल है, ठीक है, असमर्थ। आई डिसलाइक, मुझे हॉट मिल्क, मुझे गर्म दूध नहीं पसंद है। आई लाइक इट कोल्ड। इसमें देखिए सब वर्ड दिया गया है, यहाँ पे लाइक है और ये डिसलाइक, डिस यहाँ पे यूज होगा लाइक के साथ। अब देखिए ये है फोर्थ नंबर। इट इज इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और क्या बना दिया, इम्पॉसिबल, असंभव को संभव बना दिया, इम्पॉसिबल हो जाएगा। द मैजिक सेव्ड इज मैजिक वन टू मेड रैबिट। ये देखिए जब वो घुमाया तो क्या, रैबिट गायब हो गया। और द पैसेंजर बिकम इम्पेटियंट, यहाँ पे भी दिया गया है व्यक्ति की। इट इज वेरी काइंड टू मेक अनादर पर्सन वीकनेस। तो व्यक्ति की कमजोरियाँ क्या, एक दूसरे को मजा बना देती है, निर्भय कर देती है, ठीक है। इस तरह इसमें भी ये सब आप लोग कर लीजिएगा। नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे भी यूज करना है, कुछ वर्ड दिए गए हैं इसको भी यहाँ पे फिल करना है। तो प्लीज वेट टू मी टिल द बस अराइव। डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट। माई फादर पिक्ड माई लंच वाइल माई कम्ड माई हेयर। ये भी हो गया। अब ये है कुछ यहाँ पे भी है। वी विल रीच टू ऑन टाइम इफ वी गो बाई द कार। और यू स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाई द ऑडियंस अनलेस यू सी ए पावर्ड माइक। इट वॉज ब्यूटिफुल सो दे डिसाइडेड टू फॉर द पिकनिक। वी वेंट टू द जू वेयर वी सा मैनी एनिमल्स। देखिए यहाँ पे वर्ड्स फन है। लुक एट द वर्ड्स बबल्स। देखिए फेस्ट से मिलता जुलता यहाँ पे वर्ड्स है, इसमें मेंशन किया गया है। रेस से मिलता जुलता इस बबल्स में से आपको वर्ड्स को लेकर इसमें आगे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे मेंशन है, आप लिख लीजिएगा। क्रिकेट का, सिनेमे के में क्या क्या होता है, सीट इंजॉय, फेयर में बाई सूट रसाइड, पार्टी में डांस प्ले सिंग क्रेट, इस तरह कर लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन के आंसर रहा है आप लिख लीजिएगा। और बाकी ये सब आपको डू इट योर सेल्फ, आपको खुद करना है सब। फर्स्ट क्वेश्चन के मैं आंसर यहाँ पे मेंशन किया, इसको हाउ टू सेंड ए लेटर ईमेल, आपको पत्र कैसे भेजते हैं इसको लिख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन।